हेलो एंड वेलकम टू ऑटो क्यूरियोसिटी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरबैग सेंसर की। तो एयरबैग सेंसर रिस्पॉन्सिबल होता है एयरबैग के सही टाइम पे डिप्लॉयमेंट के लिए, क्रैश को सेंस करता है और एयरबैग को डिप्लॉय करता है। तो ये वीडियो पार्ट है मॉडर्न ऑटोमोबाइल सेंसर का और व्हीकल सेफ्टी इंजीनियरिंग का, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एयरबैग सेंसर दो टाइप के होते हैं, एक्सेलेरोमीटर टाइप एयरबैग सेंसर और रोलर टाइप एयरबैग सेंसर। तो सेंसर की वर्किंग देखने से पहले हम एक स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कैसे एयरबैग जो है वो डिप्लॉय होता है। तो हमारे पास दो सेंसर होते हैं, एक होता है क्रैश सेंसर जो कि कैबिन से बाहर लगा होता है रेडिएटर के पास, और एक होता है आर्मिंग सेंसर जो कि कैबिन के अंदर होता है। तो एयरबैग डिप्लॉय हो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आर्मिंग सेंसर का और क्रैश सेंसर का दोनों का ही सर्किट पूरा हो। अगर कोई भी सर्किट या क्रैश सेंसर का या फिर आर्मिंग सेंसर का अगर सर्किट पूरा नहीं होता तो एयरबैग भी डिप्लॉय नहीं होगा। तो कैबिन में लगा हुआ जो सेंसर होता है वो एक तरह से इग्निशन स्विच की तरह से काम करता है, और क्रैश सेंसर जो है वो इम्पैक्ट को सेंस करता है, और दोनों ही जो है सिग्नल करते हैं एयरबैग को। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं रोलर टाइप एयरबैग सेंसर की फिगर है, इसमें एक फॉइल स्प्रिंग होता है और दो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल का जो एंड है वो लगा होता है फॉइल स्प्रिंग से, और फॉइल स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो लगा होता है एक वेट से। तो फॉइल स्प्रिंग के एक एंड में वेट हो गया और दूसरा जो एंड है वो एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जब इम्पैक्ट होता है, जब क्रैश होता है, तो ये जो वेट है इनर्शिया फोर्स के कारण आगे की तरफ मूव करता है, और जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो फॉइल स्प्रिंग को स्ट्रेट कर देता है। तो जब ये फॉइल स्प्रिंग को स्ट्रेट कर देता है तो ये दूसरे टर्मिनल से जाकर टच हो जाती है फॉइल स्प्रिंग, और जब दूसरे टर्मिनल से टच होती है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा होता है और एयरबैग मॉड्यूल को एक सिग्नल मिल जाता है एयरबैग को डिप्लॉय करने के लिए। तो ये जो सर्किट है जब ये पूरा हो जाता है तो एयरबैग मॉड्यूल को सिग्नल मिल जाता है एयरबैग को डिप्लॉय करने के लिए, और एयरबैग डिप्लॉय हो जाता है। तो अब आते हैं एक्सेलेरोमीटर टाइप एयरबैग सेंसर पे। एक्सेलेरोमीटर टाइप सेंसर में होता है एक पीजोइलेक्ट्रिक एलिमेंट जो कि वाइब्रेट होने पर वोल्टेज जनरेट करता है। तो इसमें देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। पीजोइलेक्ट्रिक एलिमेंट के ऊपर भी एक वेट लगा होता है और नीचे होते हैं इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स। तो जब क्रैश होता है, गाड़ी पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये जो वेट है ये आगे की तरफ मूव करता है और इससे ये ऐसे बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करने लगता है। तो जब पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट वाइब्रेट करता है तो एक वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस होती है, और उस वोल्टेज सिग्नल को कैप्चर करके एयरबैग मॉड्यूल एयरबैग को डिप्लॉय कर देता है। तो हमने दो टाइप के एयरबैग सेंसर की बात की, रोलर टाइप एयरबैग सेंसर और एक्सेलेरोमीटर टाइप एयरबैग सेंसर। इसके अलावा एक और बॉल एंड मैग्नेट टाइप एयरबैग सेंसर होता है। तो इस तरह से दो तीन टाइप्स और होते हैं, बट मेन जो एयरबैग सेंसर का वर्क होता है वो सर्किट को कंप्लीट करना होता है ताकि एयरबैग मॉड्यूल जो है एयरबैग को डिप्लॉय कर सके। तो ये था एयरबैग सेंसर कैसे वर्क करता है, कैसे हेल्प करता है एयरबैग की डिप्लॉयमेंट के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।